सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाई जा रही है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप लोग काफ़ी दिनों से आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बैक टू बैक हमने विनिंग की, ठीक है। तो हम लोग एक अलग फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं। आज बॉर्डर में आपने न्यूजीलैंड और श्रीलंका में भी अच्छी विनिंग की, आईपीएल में आपने काफ़ी अच्छी विनिंग की, लेकिन वो था T20 फॉर्मेट, ठीक है। अभी क्या है कि अब हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं T10 फॉर्मेट में। अभी क्या है कि अब आपको हर एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसीलिए हम लोगों ने इस बात का खास करके ख्याल रखा कि आपको किसी भी ओडीआई मैच की टीम ना दी जाए। T20 ही हम कवर कर रहे हैं, T20 के आपको एक्सपर्ट हम बना रहे हैं, लेकिन बीच में हमने T10 मैचेस में भी इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ओडीआई मैच में भी इन्वेस्टमेंट किया विनिंग की, लेकिन हमने आईपीएल वाले मेंबर्स को केवल और केवल T20 तक सीमित रखा। ये बहुत ज़रूरी होता है फैंटेसी में जीतने के लिए, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। T20 में टीम बनाने का तरीका अलग होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होती है, अलग अमाउंट की लीग ज्वाइन की जाती है। T10 में उसका डिफरेंट होता है, रूल्स भी डिफरेंट होता है, टीम बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, डिसीजंस डिफरेंट होते हैं। अभी क्या है कि मैं आपको जो T10 की टीम अभी मैं देने वाला हूँ, इसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग देनी है, देखनी है। लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए कई बार क्या होता है कि डेडलाइन ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आपको पहले से ही पता लग गया है कि ओपनर चेंज हो गया है, कोई दूसरा बैटिंग करने आ रहा है, या कोई ऐसा बॉलर पहला ओवर लेकर के आ रहा है जिसको कि आपने टीम में नहीं लिया है, या वो बॉलिंग जनरली नहीं कराता है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, T20 मैचेज में, आईपीएल में, बाकी सभी तमाम लीग्स में, कि कई बार जैसे मोइन अली को बॉलिंग दे दिया गया पहला ओवर, कई बार पॉल स्टर्लिंग को बॉलिंग दे दिया गया पहला ओवर। जनरली ये सभी बॉलिंग नहीं कराते हैं, केवल दे दिया जाता है बॉलिंग करने के लिए। कई बार आपने सुरेश रैना को पहले बॉलिंग करते हुए देखा होगा। तो कुछ ऐसे बॉलर बॉलिंग करते हैं जो कि जनरली नहीं करते हैं। सामने लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर को लगा दिया जाता है, जो कि तभी बॉलिंग करता है जबकि सामने बैट्समैन होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा कि अक्षर पटेल को लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं दी गई, बिकॉज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्विकली डिसीजन लेना होता है T10 में। T10 का इतिहास है कि हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, और T10 इतना रिस्की होता है, कोई भी आप मार्केट में देखो, कोई भी T10 में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। एक छोटी सी गलती आपको पूरी लीग हरा सकती है, एक छोटी सी गलती आपको आपके सारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। तो अभी क्या है कि मैं इस मैच में की टीम आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन मैंने आप सभी को बोला था कि अपना टोटल बजट बताइए, हम आपको बताएंगे कौन सी लीग ज्वाइन करनी है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आईपीएल में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, हमने अभी आपको लिमिट में रखा है। बियॉन्ड लिमिट हम बोलते हैं, लेकिन अभी भी हमने आपको लिमिट से बांधा हुआ है, ज़रूरी है आपके लिए। अगर कोई मैच हमारा अच्छा नहीं गया, या कभी हमारी न्यूज गलत हो जाए, कई बार न्यूज़ सही होती है, कुछ बार ऐसा भी होगा कि न्यूज़ सही होगी लेकिन कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन हमने आपको लिमिट में रखा है, तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉस हो जाए। तो आपको अगर कभी लॉस होता भी है, तो आपने लिमिट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रूल्स एक एक फॉलो करिए, ये बनाना ज़रूरी था। अभी हम आपको इसकी टीम देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा रिस्की होता है T10 मैच, डेडलाइन तक आपको ऑनलाइन रहना है, कुछ भी चेंजेस बताए जाएंगे तुरंत एडिट करना है। दो मोबाइल यूज करिए, व्हाट्सएप वेब का यूज करिए, अपने लैपटॉप में एक मोबाइल है तो मोबाइल पे आप Dream11 Team ओपन करके रखिए और उसको एडिट मोड में रखिए लास्ट तक। तुरंत मैं बताऊंगा इसको रिमूव करिए, इसको लीजिए, क्विकली आपको करना है ये चीज़, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सभी को इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट। आपको मैं T20 से T10 में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं देखूंगा रिस्पॉन्स आप सभी का। कुछ लोग अगर कहेंगे कि लास्ट के 30 सेकंड में, या लास्ट के 25 सेकंड में, या तो लास्ट के 1 मिनट में हमने कोई चेंज बताया, कोई मेंबर बोलेगा सर हम एडिट नहीं कर पाए, तो फिर उनको नेक्स्ट टाइम से T10 की टीम नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से हम करते रहते हैं, क्योंकि जब आप एडिट ही नहीं करने में कैपेबल हो, तो फिर हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की चेंजेस की वजह से आपका लॉस हो। तो कई बार कुछ मेंबर बोलते हैं कि सर आपने हमको इस मैच की टीम नहीं दी, तो उसकी वजह यही है, किसी न किसी वजह से हम टीम नहीं देते हैं कभी कभी।
तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, आपके सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा।